दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में लिए गए सैंपलों में 7 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होते हुए नजर आए हैं। जिले में चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 81 सैंपल लेकर के लिए जांच के लिए भेजे गए थे प्रयोगशाला में। जी हाँ, 81 सैंपल लेकर के लिए जांच के लिए भेजे गए थे प्रयोगशाला। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सैंपलों की जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को पेश कर दी गई है। जिले के 81 सैंपलों में से प्रयोगशाला में 7 नमूने जांच में फेल होते हुए नजर आए हैं, जिसके अंतर्गत रवि मिष्ठान भंडार रामगढ़ पचवारा मिठाई का भी सैंपल जांच में फेल होता हुआ नजर आया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि रवि मिष्ठान भंडार रामगढ़ पचवारा मिठाई का भी सैंपल फेल होता हुआ नजर आया है। वहीं महिला दुग्ध उत्पादन समिति दड़गस ढाणी दूध का सैंपल भी जांच रिपोर्ट में निकला है फेल। मैसर्स खंडेलवाल ट्रेडिंग कंपनी लवण चाय का सैंपल भी जांच में फेल हुआ है। साथ ही मैसर्स श्रीराम मिष्ठान भंडार नांगल राजावतान मिठाई का सैंपल भी प्रयोगशाला की जांच में फेल होता हुआ नजर आया। वहीं मैसर्स सुरेश कुमार महेश कुमार बांदीकुई मिर्च पाउडर का सैंपल भी जांच में फेल हुआ। मैसर्स अमित प्रोविजन स्टोर घास मंडी दौसा वनस्पति तेल का भी सैंपल जांच में फेल होता हुआ नजर आया। मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कंपनी सूरदास मार्ग दौसा का मिर्च पाउडर सैंपल में फेल होता हुआ नजर आया। वहीं रवि मिष्ठान भंडार रामगढ़ पचवारा मिठाई का सैंपल जांच में नहीं उतरा खरा और हुआ फेल। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने घी व लड्डू के मेहंदीपुर बालाजी से लिए हैं सैंपल। मिलावट करों में हड़कंप भी मचा हुआ है और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अभी भी जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। महेंद्र जी, जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है, इसमें खाद्य पदार्थों के लिए नमूने लिए गए थे, उसको लेकर के आज एक रिपोर्ट आई है, उसमें आपका क्या कहना है? अभी हमने 81 नमूने लिए थे, उसमें से 48 तो जेनाइन पाए गए, 26 की रिपोर्ट बाकी है और 7 नमूने सब स्टैंडर्ड मिश्रण और अनसेफ पाए गए। तो महेंद्र जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इतने नमूने फेल हुए हैं, तो इन दुकानदारों के खिलाफ में कोई कार्यवाही या कुछ अभी तक किया गया? उसमें क्या है, एक साल का टाइम होता है, उसके टाइम के अंदर ही कार्रवाई की कर दी जाएगी। तो यह नमूने कब लिए गए थे? अभी शुद्ध के लिए अभियान में लिए गए थे। तो महेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये नमूने भी थोड़े समय पहले ही लिए गए थे, तो आगे आपको क्या लगता है कि इस तरह से 81 नमूनों में से जो कुछ नमूने फेल हुए हैं, उनके विरुद्ध क्या तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? संबंधित न्यायालय में इस तरह से पेश किया जाएगा। इस खबर पर 27 दिखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।